हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडीज हब पर। हमारे चैनल पर 65th बीपीएससी मेंस के लिए प्रिपरेशन कराई जा रही है, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पेपर वन को कवर कर रहे हैं, जो 300 मार्क्स का होता है आपका। उसमें भी सेक्शन वन को तीन सेक्शन होते हैं। देखिए, मैं बार बार बता रही हूँ, एस्पायरेंट्स को सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, सिलेबस पता होगा तभी आप डिफाइंड तरीके से तैयारी कर पाओगे। तो सेक्शन वन में इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर है एंड स्पेशल रेफरेंस टू द बिहार, ये 114 मार्क्स का होता है आपका एक सेक्शन। तो इस सेक्शन को अभी हमारे चैनल पे कवर कराया जा रहा है। ढेर सारे टॉपिक्स को हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। 65th बीपीएससी मेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें जाके चेक कीजिए। अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है, तो बहुत डिटेल्ड तरीके से आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आपका जो मेन्स है वो अच्छे मार्जिन से क्लियर हो सके। ओके आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती इन बिहार पीजेंट मूवमेंट। देखिए, जो किसानों के आंदोलन थे बिहार में, उनमें और पूरे इंडिया में, उनमें स्वामी सहजानंद सरस्वती का क्या रोल रहा था। देखिए, बिहार से ही बिलोंग करते थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, और ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुका है, और 65th में भी चांस है कि इसको पूछा जाए। फाइन, तो इसको हम अच्छे से सेपरेट तरीके से एक बार डिस्कस कर लेंगे। स्वामी सहजानंद जी का क्या रोल था बिहार के पीजन मूवमेंट्स में। देखिए, स्वामी सहजानंद वॉज बॉर्न इन 1889, एक पुअर ब्राह्मण फैमिली, रूरल फैमिली, पुअर ब्राह्मण रूरल फैमिली में इनका जन्म हुआ था 1889 में इन द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार में। फाइन, ही बिकेम द मोस्ट फेमस, ये मोस्ट फेमस पीजेंट लीडर बने थे प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में, आजादी से पहले। ये किसानों के जो आंदोलन थे उनके नेता बने थे, बहुत फेमस, पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज, सॉरी, पूरे इंडिया में रिकॉग्नाइज किए जाते थे ये। सहजानंद वॉज द फर्स्ट मैन हु रियलाइज द नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ किसान एज अ क्लास। देखिए, किसानों को इन्होंने एक क्लास के तौर पर पहचाना था, हु नीड टू वर्क यूनाइटेडली, जिनके लिए यूनाइटेडली वर्क करने की जरूरत थी, इंडिपेंडेंटली ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, अंग्रेजों के समय में किसानों की हालत बहुत बुरी कर दी गई थी, उनको बहुत ज्यादा अत्याचार उनके ऊपर किए जाते थे, ठीक है। जमींदारी जो सिस्टम था आपका, जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, भू राजस्व जो प्रथा थी, वो बहुत ज्यादा ओप्रेसिव थी, वो किसानों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। किसान जो खेतों में काम करते थे, जमींदार उनसे ज्यादा जो हिस्सा होता था उनकी लैंड का एज एन टैक्स वसूल लिया करते थे, और जिससे किसान गरीबी के जाल में फंस जाया करते थे। तो इस चीज को दूर करने के लिए स्वामी सहजानंद जी ने लीडरशिप निभाई और किसानों को प्रेरित किया अपने जो अत्याचार थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए। ही ऑर्गेनाइज मैनी पीजन मूवमेंट, इन्होंने बहुत सारे पीजन मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए, स्मॉल मार्जिनल लैंडलेस लेबरर्स फार्मर्स को इकट्ठा करके इन्होंने कई सारे पीजन मूवमेंट्स आयोजित किए थे, ठीक है। सहजानंद सरस्वती गेव अ न्यू डायमेंशन टू द पीजन मूवमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, पीजन मूवमेंट ऑफ इंडिया को सहजानंद सरस्वती जी ने एक नया डायमेंशन दे दिया था। उससे पहले जो पीजन मूवमेंट्स थे वो बिखरे हुए थे, ठीक है, बट स्वामी सहजानंद, देखिए, लीडर जब आ जाता है तो टीम सिंक्रोनाइज हो जाती है, जो टीम होती है उसके पास एक दिशा आ जाती है, उसको पता होता है कि उसको क्या करना होता है। पहले भी पीजेंट्स अपने हितों के लिए आंदोलन करते थे, तो पर उनके आंदोलन जो थे वो डिस्पर्स थे, बिखरे हुए थे। फाइन, सहजानंद सरस्वती जब आ गए तो उन्होंने आंदोलनों को बांध दिया एक सूत्र में, और कहा कि सारे किसान जो मार्जिनल हैं, स्मॉल हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, सबकी जो लड़ाई है वो ब्रिटिशर्स से है, सबका जो कॉज है एक होना चाहिए, तभी हम जीत पाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंपारण मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम पढ़ चुके हैं एक वीडियो में, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार में, चंपारण जिले में। तो इसकी जब सक्सेस ये मिल गई थी, चंपारण सत्याग्रह को सक्सेसफुली ये हुआ था, तो उसके बाद जो पीजेंट ऑफ बिहार थे वो जुबिलियंट, वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे, खुश थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पीजेंट मूवमेंट्स को लॉन्च किया एट सर्वर प्लेसेस, बहुत सारी अलग अलग जगहों पे, बट दीज मूवमेंट वर नॉट ऑर्गेनाइज। जैसे मैंने बताया कि उनके मूवमेंट ऑर्गेनाइज नहीं थे, सिस्टमेटिक नहीं थे, ठीक है। पीजन मूवमेंट्स इन बिहार एंड इंडिया, इंडिया और बिहार में जो पीजन मूवमेंट्स थे वो अपने जीनिथ पर कब पहुंचे, जब स्वामी सहजानंद जी ने एंट्री ली, ठीक है। जब स्वामी सहजानंद लीडर बने पीजन मूवमेंट्स के,
तब जो पीजेंट मूवमेंट थे वो अपने जीनिथ पर पहुंचे, ऊंचाइयों पर पहुंचे, सबकी जो आवाज थी एक कॉज के लिए उठकर आई। ही फॉर्मली ऑर्गेनाइज, सबसे पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है, BPKS, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया था एट द ओकेशन ऑफ सोनपुर का मेला। मैं 1929 में इन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया था टू मोबिलाइज द पीजेंट ग्रीवांस। देखिए पीजेंट्स जो किसान थे उनकी जो शिकायतें थी उनके लिए इसका गठन किया गया था अगेंस्ट द जमींदार्स। देखिए जो जमींदार्स थे उनकी अट्रोसिटीज, ऑक्यूपेंसी राइट, ठीक है, उन सबके खिलाफ बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया था। ही बिकेम द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट बने थे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के, और जो श्री कृष्ण सिंह थे वो सेक्रेटरी बने थे। ये क्वेश्चन जो इस बीपीएससी है वो प्रीलिम्स में कई बार पूछ चुका है और आता भी है, लास्ट ईयर भी शायद आया था, तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ, कौन इसके प्रेसिडेंट थे और कौन इसके सेक्रेटरी थे। तो श्री कृष्णा सिंह सेक्रेटरी थे और आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रेसिडेंट थे। फाइन, नाउ एक्टिविटीज। अब इसके गठन होने के बाद जो एक्टिविटीज थी वो बड़े लेवल पर शुरू हो गई पीजेंट्स की, टू फाइट फॉर द पीजेंट्स राइट, जो पीजेंट्स के हित थे उनकी लड़ाइयों के लिए सब लोग एकजुट हो गए। ग्रेजुअली द पीजेंट मूवमेंट इंटेंसिफाइड, अब इंटेंसिफाइड हो गया था पीजेंट मूवमेंट एंड स्प्रेड अक्रॉस द रेस्ट ऑफ इंडिया, और पूरे भारत में फैल चुका था। पूरे भारत के जो किसान थे वो एकजुट हो गए थे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती फिल द हार्ट्स ऑफ पीजेंट। देखिए जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक मैन थे, उन्होंने जो पीजेंट्स थे जो लेबरर्स थे उनके दिलों को जील से, विगर से, कॉन्शियसनेस से भर दिया था, उनके अंदर एक चेतना भर दी थी, उनके अंदर एक विश्वास पैदा कर दिया था कि हम सब अगर लड़ेंगे एकजुट होकर तो हम जरूर अपने जो बुराइयां हैं जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जो पीजेंट थे वो इसी लैंड रेवेन्यू सिस्टम से बहुत परेशान थे, इसी के खिलाफ उनकी लड़ाई थी, तो इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपका भू राजस्व व्यवस्था थी। देखिए इसमें तीन थे, जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। आपका जो जमींदारी सिस्टम था वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में, और ये मेनली बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन तीन स्टेट्स में ही इसको स्टार्ट किया गया था, बिहार बंगाल उड़ीसा। देखिए इसमें होता क्या था, जो लोअर लेवल होता था उसमें देखिए पीजेंट्स होते थे, पीजेंट्स किसान थे, बीच में जमींदार हुआ करते थे और सबसे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी। पीजेंट्स खेतों में काम किया करते थे और जमींदार देखिए मालिक हुआ करते थे लैंड के। जमींदार किसानों को फोर्स किया करते थे कि ये चीज खेतों में उगानी है, कल्टीवेट करनी है इन रिटर्न, और उसके रिटर्न में वो उनसे टैक्स भी वसूला करते थे जिसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया करते थे और बाकी का जो हिस्सा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया जाता था। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही ये अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते थे अपॉइंटेड, ठीक है, ये जमींदार जो अत्याचार करते थे पीजेंट्स पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए, क्योंकि वो अपने लिए भी तो यहाँ पे रखेंगे ना रेवेन्यू जो मनी है, और उसके बाद जो एक्सेस मनी होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी जाएगी। तो देखिए दोहरी मार हमारे किसान झेल रहे थे, तो एक तो ब्रिटिश सरकार की और एक जमींदारों की। तो इस तरह से ये जो सिस्टम था बहुत ज्यादा टॉर्चरस था, जिससे मुक्ति पाना चाहते थे हमारे किसान। फाइन, जमींदारों को ओनर बना दिया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा, और जमींदारों को राइट होता था कि वो कलेक्ट कर सकें रेंट पीजेंट से, ठीक है। ये था जमींदारी सिस्टम आपका। उसके बाद आपका रैयतवारी सिस्टम। देखिए रैयतवारी सिस्टम आपका 1820 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था बाय थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने इसे इंट्रोड्यूस किया था 1820 में। मेजर एरियाज जहां ये इंट्रोड्यूस हुआ था वो आपका मद्रास, आपका बॉम्बे और असम का कुछ हिस्सा, ठीक है। इसमें क्या था कि जो ओनरशिप होती थी लैंड की, जो मतलब मालिकाना हक होता था जमीन का, वो किसानों के पास ही रहता था, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्सेस, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी वो सीधा पीजेंट से कर वसूलती थी, ठीक है। इसमें जमींदार नहीं थे बीच में,
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सीधा किसानों से कर वसूलती थी, बीच में जमींदार नहीं थे। रैयत, रैयत का मतलब ही किसान होता था, तो ये रैयत वाली सिस्टम ये था, ठीक है। जमींदारी सिस्टम आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगा था, और इसमें बीच में जमींदार होते थे, तो ये इस तरह से होता था। महलवारी सिस्टम में क्या होता था, ये आपका 1833 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, विलियम वेंटिक ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, विलियम वेंटिक, ओके। और ये आपका नदर्न इंडिया में, आपका मेनली पंजाब में, आगरा में, गंगेटिक वैली, जो ये सारा एरिया था वहां इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। महलवारी सिस्टम में क्या था, दैट में इसमें रैयतवारी और जमींदारी दोनों के ही कुछ कुछ फीचर्स थे। देखिए, इसमें एक विलेज होता था, महल, महल का मतलब होता था विलेज। एक विलेज को जिम्मेदार बना दिया जाता था, और उसे कहा जाता था कि एक जो पूरा विलेज है वो अपने सारे किसानों से कर वसूल ले, और जो कर होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सॉरी दे दिया जाए, ठीक है। विलेज जो होता था वो अपने सारे किसानों से कर इकट्ठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया करता था। तो इस तरह से ये सिस्टम थे। मैं देखिए, इसको सब लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही एग्जाम में पूछा जाएगा, पर आपकी जानकारी के लिए मैंने ये पढ़ा दिया है, रैयतवारी, जमींदारी और महलवारी सिस्टम, क्योंकि इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि होगी तभी आप कुछ लिख पाओगे इससे रिलेटेड। क्योंकि जमींदारी सिस्टम के खिलाफ ही हमारे जो किसान आंदोलन थे, चल रहे थे, जिनको लीड किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1933 देखिए, जो बिहार पीजेंट एसोसिएशन था, जो आपका बिहार प्रोविंशियल किसान सभा थी, जो 1929 में बनी थी, अब वो चेंज होकर क्या उसका नाम इन्होंने रख दिया स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, बिहार किसान सभा, ठीक है। 1933 में जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा थी वो बिहार किसान सभा बन गई थी। 1935 में बिहार किसान सभा पास अ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पास किया 1935 में आपका बिहार किसान सभा ने, फॉर द अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इन्होंने कहा कि जो जमींदारी सिस्टम है उसको, जो जमींदारी प्रथा है उसको खत्म किया जाए, उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया बिहार किसान सभा ने 1935 में, ठीक है। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा, देखिए ऑल इंडिया किसान सभा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है बीपीएससी के में। 1936 में इसका गठन हुआ था लखनऊ में, कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ये सब चीजें आप अपने आंसर में लिखोगे तो देखिए आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इन सब को लिखने से आंसर बेहतर से बेहतरीन बन जाता है, ठीक है। तो ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में फॉर्मड हुई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रेसिडेंटशिप में, विच मेड हिम अ नेशनल पीजेंट लीडर। अब जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे वो राष्ट्रीय किसानों के नेता बन गए थे राष्ट्रीय तौर पर, ठीक है। स्वामी जी वॉज इट्स प्रेसिडेंट, इस सभा के प्रेसिडेंट थे स्वामी जी, और एनसी रंगा, एनसी रंगा इसके सेक्रेटरी थे, फाइन। देखिए, पंडित यमुना कारजी एंड राहुल संक्रतायन, हु वाज द फॉलोवर्स, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के फॉलोवर्स थे। इन्होंने एक हिंदू वीकली, हिंदी वीकली स्टार्ट किया था जिसका नाम था हुंकार, 1940 में, हुंकार था इसका नाम। ये एक मैगजीन थी, विच बिकम द माउथपीस ऑफ अग्रेरियन द पीजेंट मूवमेंट। जो भी पीजेंट मूवमेंट्स होते थे, जो भी कृषक आंदोलन होते थे, उनके बारे में इस मैगजीन में लिखा जाता था, और किसानों तक, लोगों, भारत की आम जनता तक पहुंचाया जाता था, ताकि लोग जान सकें कि किसानों पे क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, गरीब मजदूर पे क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, उनके बारे में लोग जाएं और जान पाएं और जागृत होकर एक हो जाएं इस लड़ाई में, फाइन। तो स्वामी जी लिसन टू ऑल द प्रॉब्लम, स्वामी जी जब प्रेसिडेंट बन गए ऑल इंडिया किसान सभा के, तो वो सारे किसानों की प्रॉब्लम्स को सुनते थे और कोशिश करते थे, ट्राइड हार्ड टू एड्रेस देम, कि उनको पूरा किया जाए। और जो उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी जमींदारी सिस्टम को खत्म करने की, इट वॉज अ ग्रेट एफर्ट, इट वॉज अ ग्रेट एफर्ट ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के ही अथक प्रयास के द्वारा जमींदारी सिस्टम खत्म हो पाया हमारे भारत में 1952 में, फाइनली गॉट अबॉलिश्ड इन 1952, ठीक है। आई होप आपको स्टार्टिंग से समझ में आ गया होगा पूरा। देखिए, ये रोल ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती था इन बिहार पीजेंट मूवमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं जिनको कवर कराने के बाद सेक्शन 1 कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.